दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। नाहन शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में बड़ी संख्या में बेसहारा पशु घूम रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। इन पशुओं से एक और जहां गंदगी बढ़ रही है, वहीं सड़कों पर घूमने वाले पशुओं से दुर्घटनाओं का खतरा भी पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस दिशा में उचित कदम उठाना चाहिए। इस बारे में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि समय समय पर नगर परिषद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो इन पशुओं को सड़कों पर छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि पशुओं की बाकायदा टैगिंग की गई है, जिसके जरिए सीधा पता चलता है कि पशु का मालिक कौन है। उन्होंने कहा कि जब मालिक पशुओं को छुड़ाने आते हैं तो उनसे ही जुर्माना वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की कोशिश रहती है कि बेसहारा पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। साथ ही नगर परिषद लोगों से अपील करती है कि पशुओं को सड़कों पर ना छोड़ें। इस में लोगों को में बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि जो ये लोगों के जो पशु जो है सड़कों पर छोड़े जा रहे हैं, उससे लोगों के आने जाने में और जैसे गलियों में चले गए तो लोगों को आने जाने में वहाँ पर भी बड़े परेशानियाँ रही है। ये लोग गायें पशु कुछ भी हो तो इन्होंने जो है अपनी सड़कों पे भी गंद डाला हुआ है, गलियों में भी गंद डाला हुआ है। तो मेरी तो मानना ये है कि अगर जो नगर पालिका हमारे नगर पालिका नाहन जो है इसमें कोई एक बड़ा स्टेप उठाए और जिनके वो पशु हैं उनको जो है फाइन किया जाए तो शायद वो लोग जो है सुधर जाएंगे। अदरवाइज कोई नगर पालिका का कोई ना कोई तो बड़ा स्टेप लेना ही पड़ेगा इसे। अब क्या हो रहा है कि एकदम से पशु कोई स्कूटी वाला आ रहा है या कोई गाड़ी वाला आ रहा है, उसके सामने एकदम से पशु आ जाए या फिर कोई छोटा बच्चा आ जाए तो किस तरह से उसको परेशानी उठानी पड़ती है कि गाड़ी किसी पशु के भी लग सकती है और बच्चे के भी लग सकती है। तो इस विषय में भी नगर पालिका को जो है बहुत सोच विचार के जो है इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। सड़कों पर घूमते हैं कुछ पशु आवारा, जैसे बैल हैं, गाय हैं या दूसरे हैं, कुछ पशुओं को टैग लगे हुए हैं। जो टैग वाले हैं वो कुछ लोग छोड़ देते हैं, हम उन पशुओं को पकड़ते हैं और अपने इसमें अपने जो हमने उनके कैटल पाउंड बनाया है उसमें रखते हैं। हमारे पास कैपेसिटी कम है कैटल पाउंड में, और फिर दो तीन दिन के बाद अगर कोई मालिक आता है तो फाइन डाल के उनको हम दे देते हैं। कुछ पशु जो हैं जो नीचे सड़क के पास गौशाला है वहाँ पर भी हमने भेजे हैं। हिमाचल सरकार में ने जो है राजगढ़ में एक सेंचुरी जो है पशुओं की बनाई है, तो वहाँ पर भी पशु भेजने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी सेंचुरी है तो उसमें भी हम भेजते हैं। लेकिन मेरी यही निवेदन है, जिनके अपने पशु हैं वो काइंडली उनको आवारा ना छोड़ें, वो अपने घर में बांधें, उनको घास डालें, उनकी सेवा करें। दूध देने वाले पशु हैं तो उनको ठीक ढंग से रखें, क्योंकि अगर सड़कों के ऊपर आएगा एक तो गोबर से गंदगी और दूसरी बीमारियां फैलती हैं। दूसरा यह है कि एक्सीडेंट का बहुत खतरा रहता है, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट, अचानक पशु आ जाता है, एकदम ब्रेक लगती है और काफ़ी नुकसान जो है जान माल का होता है। नगर परिषद समय समय के ऊपर पशुओं को पकड़ती है और उनको जो है नियमानुसार जो है उसके ऊपर कार्रवाई करती है।